दोस्तों, इस दुनिया में जीवों की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कम 100 से 200 के बारे में तो आप भी जानते होंगे और इनमें से दर्जनों जीवों को आपने देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी जीवों का जन्म कैसे होता है? हमारे आसपास रहने वाले जीवों को तो हमने जन्म देते हुए देखा ही है, लेकिन जब हम जंगल में और समुद्र की गहराई में नजर डालते हैं तो वहाँ रहने वाले जीवों के जन्म देने की प्रक्रिया सामान्य जीवों के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आती है। इन जीवों को जन्म देते हुए देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फिर चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसे जीवों को जन्म देते हुए देखते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस चैनल पर होने वाली सभी अपडेट से रूबरू रहें। नंबर 1, येलो हेड जॉफिश। येलो हेड जॉफिश के जन्म देने की प्रक्रिया दुनिया में बाकी जीवों के मुकाबले काफी अलग और अजीब है। येलो हेड जॉफिश कैरिबियन सी में कोरल रीफ के आसपास रहते हैं और इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। इनके सिर का रंग पीला जबकि शरीर ब्लू रंग का होता है। ये हमेशा एक ग्रुप में 60 से 70 की संख्या में रहते हैं। मेल और फीमेल येलो हेड जॉफिश के मेटिंग के बाद फीमेल येलो हेड जॉफिश अंडे देती हैं। इसके बाद फर्टिलाइज्ड अंडे को मेल येलो हेड जॉफिश अपने मुंह में रख लेते हैं। जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकल आते तब तक मेल जॉफिश अंडों को अपने मुंह में ही रखता है। इस दौरान मेल जॉफिश भूखे रहता है। जबकि अंडों से बच्चे निकलने लगते हैं तब मेल जॉफिश बच्चों को एक एक करके अपने मुंह से निकालता है। नंबर 2, नेकेड मोल रैट। नेकेड मोल रैट के जन्म देने की प्रक्रिया तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बच्चों को जन्म देने के लिए ये जिस नियम का पालन करते हैं वो काफी अजीब है। नेकेड मोल रैट ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इस जीव की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर और वजन 30 से 35 ग्राम तक होता है। ये 70 से 80 की संख्या में एक ग्रुप बनाकर जमीन के अंदर बनाए हुए बिल में रहते हैं। एक नेकेड मोल रैट ग्रुप द्वारा बनाए गए बिल की लंबाई 2 से 5 किलोमीटर तक हो सकती है। 70 से 80 की संख्या में रहने वाले इस जीव के कॉलोनी में क्वीन नेकेड मोल रैट की हुकूमत चलती है। जो फीमेल सबसे ज्यादा मजबूत होती है वही कॉलोनी की क्वीन बनती है और बच्चों को जन्म देने का अधिकार भी सिर्फ उसी के पास होता है। यदि कॉलोनी की कोई दूसरी फीमेल मोल रैट मेल मोल रैट के साथ संबंध बनाकर बच्चे को जन्म देने की कोशिश करें तो क्वीन मोल रैट उस फीमेल की जान ले लेती है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे क्वीन मोल रैट बच्चों को जन्म देती हैं, उनका आकार भी बढ़ता रहता है। इस तरह से क्वीन कॉलोनी की सबसे बड़ी सदस्य बन जाती है। क्वीन का जीवन काल 13 से 18 सालों का होता है। क्वीन की मृत्यु के बाद कॉलोनी में मौजूद सभी फीमेल मोल रैट के बीच युद्ध होता है और फिर इसी युद्ध की विजेता को बच्चों का जन्म देने का अधिकार मिलता है। नंबर 3, प्रीहेंसिल टेल प्रोकोपाइन। कांटेदार प्रोकोपाइन तो आपने सबने देखा होगा। इस जीव के शरीर के ऊपर मौजूद कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि इसकी वजह से जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी जख्मी हो जाते हैं। इस जीव की लंबाई 47 सेंटीमीटर और वजन 3.9 से 4.5 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर पर मौजूद कांटों की संख्या 30,000 के आसपास होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कांटेदार शरीर के साथ प्रोकोपाइन के बच्चों का जन्म कैसे होता होगा? प्रोकोपाइन का गर्भकाल 207 दिनों का होता है। इसके बच्चे को प्रोकोपेट्स कहते हैं। जन्म के समय बच्चे के शरीर पर कांटे मौजूद होते हैं, लेकिन वो काफी सॉफ्ट होते हैं ताकि बच्चे को जन्म देते समय मादा प्रोकोपाइन जख्मी ना हो जाए। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद कांटे सख्त होने लगते हैं और कुछ महीनों में ही खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 4, शॉर्ट ईयर्ड एलिफेंट शू। चूहे से मिलती जुलती ये जीव मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस जीव की लंबाई 4 इंच तक होती है और इसका वजन 28 से 43 किलोग्राम तक होता है। इसका जीवन काल मात्र 2.5 साल का होता है। इस वजह से इसको बेहद कम समय में ही काफी कुछ करना होता है। मात्र 6 से 7 हफ्तों के बीच में ये जीव व्यस्क होकर बच्चों को जन्म देने के लायक बन जाते हैं। इसका गर्भकाल 46 से 56 दिनों का होता है। जन्म के कुछ पल के बाद ही बच्चे चलने के लायक हो जाते हैं और 5 दिनों में ही खुद ही अपना खाना तलाश करना शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते की उम्र होने पर यही अपनी माँ का साथ छोड़ देते हैं और फिर 6 से 7 हफ्ते में अपने साथी की तलाश करते हैं और खुद बच्चों को जन्म देने लग जाते हैं। नंबर 5, स्पॉटेड हायना। हायना यानी लकड़बग्घे के बारे में तो आप सब जानते होंगे। लकड़बग्घे की लंबाई 37 से 65 इंच तक होती है और इसका वजन 44 से 55 किलोग्राम तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा लकड़बग्घे का आकार नर लकड़बग्घे के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। नर के मुकाबले मादा लकड़बग्घा ज्यादा अग्रेसिव भी होती है। मादा लकड़बग्घे के पास फेक पेनिस होता है। इस फेक पेनिस की लंबाई 7 इंच तक और मोटाई 2.5 इंच तक होती है। मादा लकड़बग्घा इसी फेक पेनिस के माध्यम से बच्चों को जन्म देती है। इनके जन्म देने की प्रक्रिया काफी मुश्किल और दर्द भरी होती है। जन्म देने वाले अंग की चौड़ाई कम होने की वजह से बच्चे को जन्म देने में काफी समय लगता है और कई बार बच्चे की मौत भी हो जाती है। दिखने में भले ही लकड़बग्घे कितने भी खूंखार क्यों ना लगें,
जन्म देने के समय वो भी दर्द से लाचार ही हो जाते हैं। नंबर 6, कीवी। हम में से ज्यादा लोगों को लगता है कि जानवरों के मुकाबले पक्षियों के लिए प्रजनन क्रिया आसान है, उन्हें सिर्फ अंडे देने होते हैं और फिर अंडों को सेना होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें शारीरिक दर्द से गुजरना नहीं पड़ता, लेकिन सभी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली कीवी पक्षी को अंडे देते समय काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। इस जीव का आकार एक मुर्गी के बराबर होता है, लेकिन इसके अंडे का आकार मुर्गी के अंडे के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसके अंडे की लंबाई 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 8 सेंटीमीटर होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अपने शरीर के मुकाबले इतने बड़े अंडे देते समय उन्हें कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। अंडे देने के बाद अंडों को सेने की प्रक्रिया 70 से 80 दिनों तक चलती है। उसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। कीवी एक बार में एक ही अंडा देती है, लेकिन ब्राउन कीवी 2 अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद मादा कीवी अंडे को सेने का काम करती हैं, लेकिन ब्राउन कीवी और लिटिल स्पॉटेड कीवी में अंडे को सेने का काम नर कीवी का होता है। नंबर 7, एलिफेंट। हाथी के बारे में तो क्या ही कहना, इसके बारे में तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो हाथी के जन्म देने की प्रक्रिया की बात कर ही लेते हैं। आमतौर पर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। इसका गर्भकाल ऑलमोस्ट 23 महीनों का होता है। बच्चों को जन्म देने से पहले हाथी को कुछ दिनों तक प्रसव पीड़ा को सहना पड़ता है। आमतौर पर हाथी रात के समय ही बच्चों को जन्म देना पसंद करती हैं। जन्म के समय हाथी का बच्चा 2 से 3 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 120 किलोग्राम तक होता है। जन्म के 1 घंटे के भीतर ही बच्चा खड़े होने लगता है और फिर कुछ घंटों के बाद ही चलना शुरू कर देता है। लगभग 6 साल की उम्र तक हाथी अपनी माँ का दूध पीता है। व्यस्क होने तक हाथी अपनी माँ के साथ ही रहता है। नंबर 8, फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क दुनिया के बेहद दुर्लभ जीवों में से एक है। ये जीव समुद्र में अत्यधिक गहराई में रहते हैं, जिस वजह से इंसानों से इसका सामना बेहद कम होता है। देखने में ये जीव काफी खतरनाक होते हैं। इसका जबड़ा काफी ताकतवर होता है, जिसमें 300 दांत होते हैं। इसकी लंबाई 6.6 फीट तक होती है। ये जीव अंडे देती है, लेकिन इसका अंडा शरीर से बाहर नहीं निकलता है। अंडे देने से पहले ही इसके शरीर में एक स्पेशल एग कैप्सूल का निर्माण हो जाता है और अंडे इसी कैप्सूल से चले जाते हैं। इस मछली के गर्भ में अंडे लगभग 3.5 सालों तक रहते हैं। एक बार में ये जीव 2 से 15 की संख्या में बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई 16 से 24 इंच तक होती है। नंबर 9, जिराफ। जिराफ इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर होता है। इसकी लंबाई 19 फीट तक होती है। वहीं इसका वजन 800 किलोग्राम तक होता है। जिराफ के जन्म देने की प्रक्रिया की बात करें तो इसका गर्भकाल 14 से 15 महीनों का होता है। हाथी की तरह जिराफ भी अपने बच्चों को खड़े होकर ही जन्म देते हैं। जन्म के समय ही जिराफ के बच्चे का आकार काफी बड़ा होता है। बच्चे की लंबाई 6 फीट और वजन 50 से 60 किलो के बीच होता है। जन्म के थोड़ी देर बाद बच्चा खड़ा होने लगता है और फिर कुछ ही घंटे में चलना भी शुरू कर देता है। जन्म के समय जानवर के बच्चों के आकार की बात करें तो हाथी के बाद जिराफ का बच्चा ही सबसे ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 10, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के जन्म देने की प्रक्रिया काफी अजीब होती है। इवन हम ऑक्टोपस के प्रजनन को जानलेवा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रजनन के बाद मेल और फीमेल ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। मेल ऑक्टोपस का आर्म सेक्सुअल ऑर्गन का काम करता है। मेटिंग के दौरान मेल ऑक्टोपस अपना आर्म फीमेल के मेंटल कैविटी में इंसर्ट करता है और मेंटल कैविटी में स्पर्म रिलीज कर देता है। इसके बाद मेल ऑक्टोपस की जिंदगी खत्म हो जाती है और वो तेजी से बूढ़ा होने लगता है। मेटिंग के बाद 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच ही मेल ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। दूसरी ओर फीमेल ऑक्टोपस अंडे देने के बाद अंडों की देखभाल करने लगती है। इस दौरान फीमेल ऑक्टोपस खाना छोड़ देती है और अंडे से बच्चे निकलने के कुछ समय बाद ही फीमेल ऑक्टोपस की भी मौत हो जाती है। औसतन एक ऑक्टोपस एक बार में 56,000 अंडे देती हैं, लेकिन बच्चों का सर्वाइवल रेट 1% के आसपास ही होता है। आपको इनमें से किस जीव के जन्म देने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा अजीब लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।